हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक लड़का अपनी मॉम की बताई हुई मैजिकल सिटी को ढूंढने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर पर जाता है और अपने साथ साथ दुनिया भर बच्चों का लाइफ भी बदल देता है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी शुरू होती है एक लंदन सीन से, जहाँ हम लेडी आंटी रूट को देखते हैं। वो यहाँ अपने मेट्रो मेट के घर आई हुई है और देखती है क्रिसमस नाइट होते हुए भी उसका घर पे कोई डेकोरेशन नहीं है। पता चलता है कि मेट की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है और उसे भी एक ऑफिस के काम में बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो मेट के बच्चे को बेबी सीट करने आई है। क्रिसमस में बिल्कुल यकीन नहीं है। वो बच्चों को कम्फर्टेबल करने और क्रिसमस की अहमियत बताने के लिए उन्हें एक स्टोरी सुनाती है। तो कहानी शुरू होती है फिनलैंड की जंगलों से, जहां हम एक लड़के निकोलस और उसके डैड जोएल को देखते हैं। वहां लकड़ियां काटते हुए एक बड़ा सा भालू उनके पीछे पड़ जाता है और वो उससे बचते हुए भागने लगते हैं। तभी वहां पेड़ पे एक तीर आके लगता है, जिसे देख के भालू भाग जाता है और ये दोनों वापिस अपने केबिन पे आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों बहुत गरीब हैं और इन्हें एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सोते हुए निकोलस अपने डेट से एक स्टोरी सुनता है, कैसी एक लड़की ने एक ऐसी जगह को ढूंढ निकाला था जहां एल्फ रहा करते थे और इस जगह का नाम था एल्फहेम। ये एक बहुत ही मैजिकल जगह थी और यहां का एल्फ हमेशा खुश रहा करते थे, लेकिन कोई उसके बाद उस जगह को ढूंढ नहीं पाया। आगे निकोलस अपनी मॉम के दिए हुए एक लोकेट को देखता है और तभी उन्हें एक चूहे की आवाज सुनाई देती है। जोएल उसे मारने के लिए कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इनका बचा कुचा खाना भी चूहा खा जाए, लेकिन निकोलस उन्हें ऐसा करने में रोक देता है। वो उस चूहे को अपना दोस्त बनाकर उसका नाम मीका रख देता है और हम देखते हैं वो उसे बोलना सिखा रहा है। एक दिन राजा अपने पैलेस में सबको इनवाइट करता है और पूछता है हमारे राज्य में लोगों को किस चीज की ज्यादा सबसे जरूरत है। सब लोग अलग अलग जवाब देते हैं, लेकिन राजा कहता है इस बात उन्हें ऐसी मैजिकल चीज की जरूरत है जिससे उन्हें खुश रहने की उम्मीदें फिर से जाग जाए। और ऐलान किया जाता है कि जो कोई भी इस मैजिकल चीज को ढूंढ कर लाएगा उन्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। उस रात जोएल के घर एंडर नाम का शिकारी आता है और निकोलस उसके तीर देख के समझ जाता है जिसने उन्हें उस भारूल से बचाया था। पता चलता है एंडल्स जोए के साथ मिलकर एल्फहेम को ढूंढना चाहता है ताकि राजा को उसके बारे में बताकर अपनी गरीबी दूर कर सके। निकोलस भी उसके साथ जाने के लिए जिद करता है, लेकिन जोएल उसे मना कर देता है और कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है। वो निकोलस की जिम्मेदारी अपनी बहन कार्लो नोटा को देता है, जो बहुत खड़ूस और लालची किस्म की है और निकोलस को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। आगे जोए निकोलस को लाल टोपी देता है जो निकोलस की माँ ने बनाई थी और अपने साथियों के साथ मिशन में निकल जाता है। उसके जाते ही कार्लो नोटा अपने असली रूप दिखाती है। निकोलस को वो रेड और टोनी डॉल के साथ घर से बाहर निकल देती है। उसको ठंड से बचाने के लिए वो बाहर लकड़ी से एक झोपड़ी बना देता है और दिन में कार्लो नोटा उससे घर के सारी काम करवाती है। देखते ही देखते काफी महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसकी डेट की कोई खबर नहीं आती। कार्लो नोटा एक दिन उसे सूप बनाकर पिलाती है और निकोलस देखता है कि उसी टोनी टोल का ये सूप है जो उसके माँ ने उसे बनाकर दी थी। आगे कार्लो नोटा उसकी डेट की इंसल्ट करती है और कहती है कि अब वो कभी नहीं वापस आने वाला। तभी निकोलस अपनी लाल टोपी को जलते हुए देखता है। वो बाहर लाके उसके आग बुझाने लगता है। यहाँ उसे टोपी के नीचे एक मैप बना हुआ दिखता है जो असल में एल्फहेम जाने का रास्ता दिखा रहा है। उसे लगता है कि शायद इससे वो अपनी डेट तक पहुँच सकता है और वो अपनी माँ की लोकेट और मिल्खा के साथ वहाँ से निकल जाता है। आगे वो मुश्किल रास्तों से होते हुए एक गुफा में आता है जहाँ वो और मिल्खा आराम करते हैं। टाइम पास करने के लिए वो मीका से बात करने लगता है और पूछता है क्या सच में मैजिक जैसी कोई चीज सच में हो सकती है। अभी मीका उसके बात की जवाब देता है और उसे बोलता देख वो काफी हैरान हो जाता है। मीका बोलता है ये कोई मैजिक नहीं बल्कि तुम्हारी ही मेहनत का ये नतीजा है, क्योंकि इतने टाइम से तुम मुझे वर्ड्स बोलना सिखा रहे थे। आगे जंगल पार करते हुए उनका सामना एक रेंडियर से होता है और वो बड़ी मुश्किल से एक पेड़ में लटक कर अपनी जान बचाते हैं। तभी निकोलस रेंडियर के लगे हुए उस तीर को देखता है जो कि एंडर्स का रहता और वो है। नीचे उसकी मदद करने आता है। वो उसे शांत करके तीर को बाहर निकाल देता है और वो उसे सेफ रहने को बोल के आगे निकल जाता है। जल्दी से वो जंगल से निकलकर एक बड़े से मैदान में आ जाता है और पता चलता है कि वो रेंडियर भी उसके पीछे आ रहा है। निकोलस उसे वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो देखता है कि वो उसे अपने ऊपर बैठाने के लिए इशारा दे रहा है। थका होने के कारण वो उसके ऊपर एक्सेप्ट कर लेता है और रेंडियर तेजी से उसके मंजिल की ओर उसे ले चलता है। आगे वो एक ज्वाइंट वैली तक आते हैं और निकोलस देखता है कि एल्फहेम ठीक इसका पीछे ही बना हुआ है। वो उस जगह को बहुत ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बर्फ के जमे हुए उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी निकोलस को दूर अपनी डैड की चाकू नजर आता है। यह देख के उसे लगता है शायद उसके डैड मारे गए हैं
और इसे देख के वो अपनी सारी उम्मीदें खो देता है। जल्दी ही ठंड के कारण उनके शरीर जमने लगता है और मीका देखता है कि एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ा उसके तरफ आ रहे हैं। बूढ़ा अपनी मैजिक से निकोलस को ठीक कर देता है और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एल्फ्स हैं जिनके नाम टोपो और नूसा है। निकोलस को एल्फेम का रास्ता पूछने पर उसा उसको बताती है कि अभी वो ही वहीं खड़ा है, लेकिन निकोलस को सिवाय वर्क के कुछ नजर नहीं आता। टोपो उसे कहता है तुम्हें एल्फम को देखने के लिए दिल से उसको विश्वास करना होगा। उसे सुनकर वो एक बार फिर से कोशिश करता है, फिर देखते ही देखते उसे वहाँ एक सिटी नजर आता है। टोपो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन कुछ ट्रेनी को देख के उसे वहाँ छुपा देता है। यहाँ निकोलस किसी लिटिल कीप के गायब होने के बारे में पढ़ता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए टोपो उसे अपने सीक्रेट रास्ते में उसके घर ले आता है। वहाँ वो लोगों को डांस करते हुए देखता है और मीका केक से बने हुए सिटी में खूब इंजॉय करता है। टोपो उन्हें कहता है इन लोग छिप कर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन देखता है निकोलस को क्रिसमस के बारे में कुछ नहीं पता। निकोलस बोलता है क्रिसमस तो उसे उसकी माँ प्यार से बुलाती थी। तब नूसा उन्हें इस फेस्टिवल के बारे में समझाती है। तभी एक लेडी आती है और बोलती है क्वीन यहाँ आ रही है, तो सभी डर कर वहाँ भागने लगते हैं। क्वीन उन्हें पार्टी देख बहुत नाराज होती है। इसके बातों में उन्हें पता चलता है कि इन सभी में वो रोक लगाई हुई है और तभी उसकी नज़र निकोलस पर पड़ता है और टोपो कहता है कि इसकी वजह से वो यहाँ आया है। एक इंसान को अपने बीच देख कर क्वीन को काफी गुस्सा आता है और टोपो को इसकी सजा देता है। यहाँ निकोलस क्वीन को अपने पिता के बारे में बताता है, लेकिन उसे पता चलता है कुछ इंसान एल्फ के बच्चे को उठाकर ले गए हैं और इसीलिए एल्फ्स ने इंसानों को भरोसा करना बंद कर दिया है। आगे क्वीन निकोलस को टावर में बंद करने के लिए कहता है, पर मौका देख कर मीका बाग निकलता है। टावर में उसकी मुलाकात एक पिक्सी से होती है जिसको सच बोलने के साथ साथ पटाखा चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। वहीं इसके सामना एक ट्रोल से होता है जो उसको खाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर पिक्सी उसे मदद करने के लिए कोशिश करती है। वो पिक्सी के बनाया हुआ पटाखा ट्रोल के मुँह में डाल देता है जिससे वो गुब्बारे की तरह फट जाता है और ये दोनों टावर से निकलकर एक छत पर आ गिरते हैं। सोल्जर भी उनके पीछे पकड़ने आते हैं, लेकिन वो दोनों एल्फ टीचर की मदद से भाग निकलते हैं। बाहर उषा उसकी रेंडियर को लेके आती है और मीका भी किसी तरह उसके पास आ जाता है। भागते हुए एक जगह क्वीन और उसके सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन पिक्सी के पटाखों की वजह से वो फिर से वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी वो देखते हैं सिटी का दरवाजा बंद हो रहा है। पिक्सी वहाँ रुककर मीका और निकोलस का भागने में मदद करता है। आगे वो अपनी डेड को ढूंढते हुए एक जंगल में आता है जहाँ उसे पेड़ में बंधा हुआ एक गोल्डन धागा दिखता है। उसका पीछा करते हुए वो एक पिंजरे में आते हैं और वो देखते हैं उसमें वही एल्फ की बच्चा कैथ है जिसके बारे में क्वीन ने बताया था। तभी उसके डैड और उसके दोस्त वहां आते हैं और जॉयल उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो निकोलस को बताता है कीप को देखकर राजा को एल्फेम में विश्वास हो जाएगा और खजाना मिलने में हम अमीर हो जाएंगे। यह सुनकर निकोलस उनको बताता है हमें ऐसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कीप को दे देना चाहिए, लेकिन जॉयल उसे और रेंडियर को भी बांध देता है। इसे देखकर मीका को काफी बुरा लगता है और तभी वो देखता है उसके डैड छुपकर उन्हें आजाद करने आए हैं। जॉयल उनसे माफी मांगता है और कहता है कि आप वो उनकी गलती सुधारना चाहता है और तभी हंटर भी जाग जाते हैं और ये लोग रेंडियर और सबको लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अपनी मैजिक से रेंडियर को उड़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन स्लेस के वेट की वजह से वो उड़ नहीं पाते और तभी आगे वो एक खाई देखते हैं और जॉयल कीप को वापस ले जाने कहकर वो अपनी रस्सी काट देता है। रस्सी की कटते ही रेंडियर खाई के ऊपर उड़ने लगता है और जॉयल खाई में गिर कर मारा जाता है। निकोलस को ये देख कर बहुत दुख लगता है, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो कीप को एल्फेम में ले आता है। कीप को देख के सब बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि सभी इंसान बुरे नहीं होते, लेकिन क्वीन को अभी भी ये सब ठीक नहीं लगता और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कीप के पेरेंट्स निकोलस को कुछ टॉयस देते हैं जिसे देख के उसे काफी अच्छा लगता और है और कहता है कोई भी बच्चा इसे पा के बहुत खुश होगा। और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एल्फ को ऐसे कई टॉयस बनाने के लिए कहता है ताकि इन्हें वो उन बच्चों तक पहुंचा सके जिन्हें मिलने में उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। वो लोग भी देखते ही देखते बहुत सारे टॉयस और चॉकलेट बना देते हैं और निकोलस रेंडियर के मदद से उन्हें ले जाने के लिए लगता है। तभी वहाँ क्वीन आके उससे हमला करता है और वो वहाँ उल्टा लटक जाता है। यहाँ क्वीन की नज़र उसकी लॉकेट पे पड़ता है। निकोलस बताता है कि ये लॉकेट उसके माँ ने उसे दिया था। क्वीन बताती है सालों पहले एक लड़की यहाँ आई थी जिसे मिलकर हम सारे बहुत खुश हुए थे
और ऐसा ही लॉकेट मैंने उसे दिया था। निकोला समझ जाता है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। और फिर वो उन सबको बताता है इसलिए उसकी माँ उसे प्यार से क्रिसमस बुलाती थी। फिर वो क्वीन और बाकी लोगों को हमेशा खुश रहने के लिए बोलता है और रेनियर और मीका को लेके गिफ्ट पढ़ने निकल जाता है। सबसे पहले वो राजा के पास आता है जिसके बारे में वो बिल्कुल यकीन नहीं करता। तब निकोलस अपने रेंडर से उसे शेयर कराता है और वो दोनों मिलकर बच्चे को गिफ्ट देने जाते हैं और वो सुबह उठकर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे निकोलस राजा के साथ अपने घर जाता है और कोलेटा को भी दिखाता है कि मैजिक सच में होते हैं। फिर वो उसे कुछ चॉकलेट देता है और वो सब उड़ते हुए बादलों में कहीं गायब हो जाते हैं। यही स्टोरी खत्म हो जाती है और आंटी रूट बच्चों को भी बताती है उन्हें भी निकोलस की तरह उम्मीद नहीं हारनी चाहिए क्योंकि ऊपर वाले ने सभी के लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। तभी उनके डैड भी घर आ जाते हैं और वो सब देखते हैं कि घर के अंदर बहुत सारे गिफ्ट और क्रिसमस ट्री लगा हुआ है जिसमें निकोलस का लॉकेट लगा हुआ है। फिर आंटी रूथ वहाँ से जाने लगती है और बच्चे देखते हैं उनके कान बिल्कुल एल्फ की तरह हैं और वो सब खिड़की से झांकने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है आंटी रूट असल में वही पिक्सी है जिसको पटाखा फोड़ने में बहुत मजा आता था। और इसी के साथ ही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।